नमस्कार, भारत समाचार में आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव और बात हो रही है दूसरे चरण की। जी हां, आज दूसरे चरण का वोट अब संपन्न हो चुका है और आज जनता ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया। ऐसे में अब चुनाव संपन्न हो चुका है और तमाम राजनीतिक जो दिग्गज हैं उनके प्राण प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ऐसे में वोटर्स ने तमाम दिग्गजों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो काफी प्रभाव रखते हैं इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें। लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज काफी सुस्त रफ्तार में रही। हालांकि कुछ जिले ऐसे रहे जहां पर वोटिंग परसेंटेज थोड़ा ठीक ठाक रहा, बात अगर अमरोहा या दूसरी सीट की कर ले। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो रुझान, वो उत्साह वोटर्स में आखिरकार क्यों नहीं देखने को मिला जो पहले हुआ करता था। कुछ लोग बता रहे कि गर्मी भी इसके पीछे बड़ी वजह रही और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कुछ प्रत्याशी ऐसे जिन्होंने अपने क्षेत्रों में काम नहीं किया, इसकी वजह से लोगों ने अपने प्रत्याशियों को वोट देना मुनासिब नहीं समझा। बहरहाल ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर विश्लेषण लगातार हो रहा है। फिलहाल अगर दूसरे चरण की बात करें तो 8 सीटें बेहद महत्वपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए और ये सीटें काफी महत्वपूर्ण जिनको लेकर तमाम जो राजनीतिक दल थे उन्होंने जमकर प्रचार प्रसार किया। जहां एक तरफ मोदी की गारंटी गिनाई गई, विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए, चाहे परीक्षा लीक का मामला हो या फिर दूसरे बड़े मुद्दे कानून व्यवस्था समेत। लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो अब निकल कर सामने आ चुकी हैं और राजनीतिक दल जिन्होंने इस बार चुनाव में प्रचार प्रसार किया, बात अगर की जाए मेरठ की तो अरुण गोविल यहां से मेरठ से चुनाव लड़ते नजर आए और मेरठ काफी महत्वपूर्ण सीट आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मानी जाती है। मेरठ में अरुण गोविल चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर की जाए मथुरा तो मथुरा भी काफी हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ से हेमा मालिनी अपनी किस्मत को आजमा रही है। बीजेपी ने इस बार उन पर भरोसा जताया है और तीसरी बार मथुरा से हेमा मालिनी को टिकट दिया गया है। बात अगर कुछ और सीटों की करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये सीटें भी काफी महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है। बात अगर करें आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की तो जयंत चौधरी पिछला समीकरण आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के साथ थे लेकिन इस बार वो आ गए हैं एनडीए के साथ। ऐसे में कितना बदलाव आता है, उनकी यहाँ पर आई हुई भूमिका को क्या वोटर स्वीकार कर पाएंगे, उससे बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा, ये अपने आप में देखने की बात है। फिलहाल ग्राउंड पर हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं जो सुबह 7 बजे से बड़ी कवरेज कर रहे हैं और भारत समाचार पर आप तमाम बड़ी अपडेट्स को देख पा रहे हैं उन्हीं तमाम सहयोगियों की बदौलत। और आपको हर एक सीट से जुड़ी जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो भी ग्राउंड जीरो से बताने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ कहां क्या क्या हुआ। शाहजहांपुर में आपने देखी तस्वीर की किस तरीके से प्रत्याशी आपस में भिड़ गए, पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया और दूसरी तरफ कुछ जगह ऐसी थी मेरठ में जहां पर अचानक लाइट ही कट गई जिसकी वजह से मतदान काफी देर तक प्रभावित रहा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि लोगों ने भरसक दावे किए थे चुनाव आयोग की तरफ से लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर मुकम्मल प्रयास क्यों नहीं किए गए। और मेरे साथ मेरे कई सहयोगी जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। चलिए सबसे पहले रुक कर लेते मेरे सहयोगी सीमाब नकवी का। सीमाब, वोटिंग अब संपन्न हो चुका है, तमाम राजनीतिक दलों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, ताजी अपडेट क्या है आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मथुरा में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर मतदान थम चुका है, ईवीएम मशीनों को जो है वो सील करने का काम किया जा रहा है। 6 बजते ही ये आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कि गेट पर जो है वो ताला बंद कर दिया गया और वहाँ पर कोई किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पीछे हम आप कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं। आप देखिए कि कोई भी अब अंदर नहीं आ सकता है क्योंकि मतदान अब खत्म हो चुका है, थम चुका है। हालांकि एक दो लोग वहां पर गेट पे मौजूद हैं लेकिन आने की अंदर किसी को भी इजाजत अब नहीं है क्योंकि मतदान संपन्न हो चुका है और यहां पर गेट बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर देख सकते हैं आप कि एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, अब किसी को यहां आने जाने की इजाजत भी नहीं है। और अंदर की तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, मशीन को सील करने का अब जो काम है वो शुरू कर दिया गया है, मशीन की सीलिंग का काम जारी है। जो यहाँ पे एजेंट हैं, पोलिंग एजेंट थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हों या दूसरे रहे हों, उनको बाकायदा सामने बैठाल कर उनसे साइन करवाई गई और उसके बाद अब मशीन
इनको सील करने का सिलसिला जारी है। अब यहां से ये मशीन ले जाई जाएंगी और स्ट्रांग रूम में रखी जाएंगी। मथुरा में इस बार जो वोटिंग का परसेंटेज था वो काफी कम नजर आया, क्योंकि 5 बजे तक की अगर बात करें तो 47% ही मात्र वोट पड़ पाया है। 1 घंटे में 1-2% वोट बैंक और वोट और पड़ पाया होगा। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं सुबह से लेकर अभी तक की कि किस तरह से यहां पर काम पोलिंग हुई। जिस बूथ पर हम मौजूद हैं यहां पर लगभग 792 वोट है और तकरीबन 150-250 के बीच में यहां पर वोट डाला गया। आप वोटिंग परसेंटेज को देख लीजिए कि आधे से भी कम, 800 वोट जहां पे है, 900 वोट है वहां पर 200 वोट पड़ रहा है, यानी कि 25% 27% ऐसे इस बूथ पोलिंग बूथ पर मतदान हुआ है। इसकी वजह गर्मी भी बताई जा रही है कि गर्मी ज्यादा पड़ रही थी इसलिए वोटिंग कम हुई है। और दूसरी तरफ इसके पीछे एक वजह और भी बताई जा रही है कि एंटी इनकम्बेंसी जो कि भारतीय जनता पार्टी की यहां से सांसद हैं हेमा मालिनी, उनको उनसे लोगों के कनेक्टिविटी कम लोगों ने बताया कि रही है। इसके वजह से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा देखकर वोट लोगों ने दिया लेकिन इस बार कनेक्टिविटी के चलते जो है वो वोट कम पड़ा, ये भी एक वजह बताई जा रही है। और तीसरी वजह यह है कि आज जुमे का दिन था, जो मुस्लिम बस्तियों में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। सुबह से ही लोग नमाज की तैयारियों में लग जाते हैं और दोपहर में चूंकि धूप ज्यादा होती है तो कई बार लोग वोटिंग को भी नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कई वजह रही जिसके वजह से इस बार जो वोटिंग का परसेंटेज रहा वो कम रहा। आपको तस्वीरें दिखाई पड़ रही होंगी कि किस तरह से यहाँ पर जो मशीनें हैं ईवीएम मशीनें उनको सील किया जा रहा है वहां पर। और आप लोगों की भी देखिए मेहनत काफी ज्यादा ज्यादा सुबह से आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग किस तरीके से वहां पर कवर कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। गर्मी के बावजूद भी आप लोग भी लोगों के बीच मौजूद हैं और मेरे साथ और सहयोगी भी सीमा जुड़े हुए हैं ग्राउंड पर, उनसे भी वहां की रिपोर्ट जान लेते। मेरठ से मेरे साथ नरेंद्र जुड़े हुए हैं, नरेंद्र से वहां का सीधा हाल जान लेते। नरेंद्र, चुनाव तो संपन्न हो चुका है, अब क्या स्थिति वहां पर देखने को मिली, क्योंकि आपने बताया कि कुछ जगह लाइट्स कट गई, कुछ जगह विरोध भी देखने को मिले, इक्का दुक्का इस तरह की घटनाएं सामने हुई, क्या तस्वीर रही आज पूरे दिन की? देखिए स्वाति, अगर उन सब घटनाओं को एक तरफा रख दें तो कुल मिलाकर जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण रहा। और अब जब 6 बजने के बाद का वक्त हो चुका है तो यहाँ पर आप देखेंगे पोलिंग बूथ के अंदर कोई भी वोटर मौजूद नहीं है। मैं जिस पोलिंग बूथ पर ये मौजूद हूँ ये मेरठ का अब्दुल्लापुर है और ये नगर निगम क्षेत्र में ही आता है, शहर के जो आउटर हैं उस इलाके में ये पूरा इलाका है और ये दलित मुस्लिम बाहुल्य एक गाँव है वहाँ पर ये वोटिंग चल रही थी। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि करीब करीब 5:30 बजे के बाद जो वोटर है वही नजारत है। तो इस तरह का जो नज़ारा है वो केवल इसी पोलिंग बूथ पर नहीं, करीब करीब सभी पोलिंग बूथ पर नज़र आया। खास करके जो पौश इलाके हैं वहाँ पर वोटर बहुत मुश्किल से निकला, उसकी वजह जैसे हमारे साथी सीमा बता रहे थे, चाहे वो जुमा होने की वजह से ऐसी स्थिति रही या फिर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ये देखा कि शुक्रवार शनिवार और रविवार उनको 3 दिन मिल रहे हैं सैर सपाटे के लिए, तो वो यहाँ से कहीं हिल स्टेशन पर चले गए या फिर अपने पैतृक जो घर है गांव है वहाँ की तरफ रुक कर गए। तो जो वोटिंग का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं देखा गया, इसी कारण से जो 5 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 55% के आसपास है। तो समझा जा सकता है कि अगर 6 बजे तक का इस तरीके का जो ट्रेंड पैटर्न रहा है वोटर्स के वोट डालने का तो उसको अगर जोड़ लिया जाए तो ये 60% के आसपास या फिर अंदर ही रह जाएगा। तो इस तरह की जो नज़ारे हैं वो मेरठ में देखने को मिले हैं। इसके बजाय एक और ये बात मानी जा रही है कि यहाँ से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं अरुण गोविल वो बाहर के रहने वाले हैं, वो पैदा तो यहाँ ज़रूर हुए थे लेकिन करीब करीब 35 साल बाद उन्होंने मेरठ की धरती देखी है, उनको बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है और उनको लेकर बहुत सारे संगठन के लोग भी और जो जनता है
उनसे कनेक्टिविटी उस तरीके से नहीं आपके हो पास मैं लौटूंगी। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया कि वो बाहरी प्रत्याशी और ऐसे में अब कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी इस सीट पर जीत पाना। मेरे साथ स्वाति पाठक भी अमरोहा से जुड़ी हैं, लोकेश गाजियाबाद से जुड़े हैं, विपिन भी जुड़े हैं, आप सभी से मैं बात करूंगी। स्वाति, अमरोहा का हाल जरा बताइए, क्योंकि आज यहां पर वोटिंग परसेंटेज और जिलों से काफी ज्यादा बेटर रहा। आज की पूरी स्थिति क्या है, रिपोर्ट क्या है? देखिए, अब बूथों पर जो है वो पुलिसकर्मी तैनात हो गए हैं, अब किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जो अंदर है वोटर्स उनको जो है वो वोट डाल पा रहे हैं, और उसके बाद पूरी तरह से जो सीलिंग की व्यवस्था है वो भी शुरू हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अमरोहा की वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं, तो शाम 5 बजे तक 62% से ज्यादा मतदान अमरोहा में हुआ है। यानी समझा जा सकता है कि 1 घंटे का जो अभी और वोटिंग परसेंटेज आएगा वो 65% से भी ज्यादा हो सकता है। और अब 8 सीटों पर मतदान आज उत्तर प्रदेश में हो रहा था, सबसे ज्यादा वोटिंग अमरोहा में हुई है, और वोटरों में खास तौर पर उत्साह सुबह के वक्त देखने को मिला, शाम के वक्त मिला, दोपहर के वक्त चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप बहुत ज्यादा है, परेशानियां बहुत ज्यादा होती है घरों से बाहर निकलने में, यही वजह है कि दोपहर के वक्त जो बूथों की बात हम करें, मतदान केंद्रों की बात करते हैं, तो वहां पर सन्नाटा देखने को मिला है अमरोहा में भी। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से लोग सुबह के वक्त घरों से निकले, शाम के वक्त लोग घरों से निकले हैं, ये बताता है कहीं ना कहीं कि अमरोहा की जनता में वोट को लेकर उत्साह देखा गया है बाकी सीटों की तुलना में। अब देखना होगा कि ये जो 1 घंटे का वक्त है उसमें कितना परसेंटेज वोटों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। बिल्कुल, ये बात काबिले तारीफ है वहां के वोटर्स के लिए, सबने काबिले तारीफ काम किया है और लोग अपने घरों से बाहर निकले, खासतौर से महिलाएं अपने घरों से बाहर निकली हैं। लोकेश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करेंगे लोकेश का, गाजियाबाद की स्थिति लोकेश बताएंगे। लोकेश बताइए। देखिए साथी, ये बेहद जो है निराशाजनक रहा है, जो कि गाजियाबाद में वोटिंग परसेंटेज जो 5:30 बजे की ये जो टेबुलेशन आई उसमें करीब 52% के करीब रहा, जबकि 2019 में ये वोटिंग परसेंटेज करीब 55.9% यानी कि 56% के करीब रहा था। तमाम जो है जागरूकता अभियानों के बावजूद ये वोटिंग परसेंटेज एक तरीके से निर्वाचन आयोग की कमी कही जाए या फिर जिले स्तर के अधिकारियों की कमी की जाए कि वो लोगों को बाहर नहीं ला सके, और पब्लिक का पार्टिसिपेशन इस मामले में नहीं हो पाया। और इसके लिए काफी हद तक दरअसल जो दिन है वो भी जिम्मेदार है कि दिल्ली NCR का ये हिस्सा है गाजियाबाद और नोएडा का हिस्सा स्पेशली कहा जाए, तो यहाँ पर अगर ट्रेंड देखने को जो विधानसभाएं ग्रामीण विधानसभाएं हैं वहां की वोटिंग परसेंटेज बेहतर है, जो शहरी विधानसभाएं हैं उनके वोटिंग परसेंटेज 72 की स्थिति पे है, यानी कि वो तो 48% और 46% के करीब है। और कई जगह इसकी एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि दिल्ली और गुड़गांव के भीतर कई लोग ऐसे हैं जो कि दिल्ली NCR के जॉब करते हैं, और ऐसे में उनको जो है छुट्टी मिली जरूर थी, लेकिन ये क्या वो छुट्टियां वाकई टर्न आउट हुई हैं वोट के रूप में, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि इस तरीके का होता हुआ अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल हम एक सेंटर पर मौजूद है जो कि जिला मुख्यालय के पास में ही है, और सेंटर्स के गेट बंद किए जा चुके हैं, 6 बजते ही ये गेट बंद किए गए, और अब जो पोलिंग बूथ है वहां पर जो पीठासीन अधिकारी हैं और तमाम कर्मचारी हैं वो EVM VVPAT और जो कंट्रोल यूनिट है इनको सीलिंग करके उनको अब सील करके उनकी एक तैयारी की जा रही है, और इसके बाद ये यहां से ले जा करके एक जहां पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं मंडी में वहां पर जमा कराए जाएंगे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को अगर आप समझें तो जो सुबह के समय ये माना जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि जब शुरुआती आंकड़े आए तो उसी में गाजियाबाद शुरुआती दौर में ही पिछड़ गया था, जब बागपत के 13% के करीब वोटिंग थी तो गाजियाबाद 10% के करीब वोटिंग पे था, तो ये एक बड़ी वजह मानी जा रही थी कि जो शुरुआत से ही एक पिछड़ापन जो रहा और इसी वजह से अब जो अगर आप देखें तो जो पोलिंग बूथ की बसें हैं वो भी अब यहां से रवाना होनी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बातें लोकेश वहां से बता रहे हैं, और देखिए सुस्त मतदान और काफी जो जानकारी दे रहे हैं कि लोग अपने घरों से नहीं निकले। मेरे साथ विपिन भी जुड़े हुए हैं, बागपत से बातचीत करेंगे विपिन से। विपिन, ये जिले इनका ये हाल रहा, अगर बागपत की बात करें तो वोटिंग पैटर्न क्या रहा, लोगों ने वोट किया कि नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या स्थिति रही? बिल्कुल स्वाति, अगर बागपत की बात कर ले तो बागपत का जो वोट प्रतिशत है वो 50% है, लेकिन पिछली बार की बात कर ले 2019 की तो 63% वोट प्रतिशत रहा था, लेकिन अब 5 बजे तक
इसका जो आंकड़ा है 50 है, अगर बात की जाए लास्ट जब चुनाव समाप्त होगा तब तक ये ज्यादा 55 पहुंच सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं बागपत में भी वोट प्रतिशत कम रहा है, या तो उन्हें अपना कैंडिडेट नहीं मिला या उन्हें वोट डालने का इतना महत्व नहीं था कि उन्हें कहां पर डाले, क्योंकि बागपत का जो गठबंधन अब की बार बीजेपी और लोकदल में हुआ और दूसरी तरफ से ब्राह्मण समाजवादी पार्टी से उठे थे। तो इसको लेकर छपरौली में भी बात कर लेते हैं, छपरौली विधानसभा, तो छपरौली विधानसभा में भी अब तक का जो वोट प्रतिशत है वो 43% है, जबकि छपरौली आरएलडी का गढ़ रहा है और वहां पर अगर 50% भी वोट जाता है तो कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत घटा है। अभी भी मैं एक बूथ के बाहर हूँ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पोलिंग बूथ है जिसको बंद कर दिया गया है और भीतर मशीनों की जो पैकिंग है वो की जा रही है, क्योंकि मशीनों को सील करने के बाद अब इनका जहां खेकड़ा के इंटर कॉलेज में वहां पर ले जाया जाएगा और ले जाने के बाद वहां पर इनको रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं बागपत में भी अब वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा कम हुआ है, 50% वोट अब की बार डला है और पिछली बार 2019 में 63% वोट डला था। तो कहीं ना कहीं बागपत ने भी की जनता ने भी इतना मतदान नहीं किया है, क्योंकि बात कर लेते हैं व्यापारियों की, तो बड़ौद के जो व्यापारी हैं उन्होंने सुबह करीबन 4 बजे ही अपनी 23 बसें की थी और 23 बसों में सवार होकर वो बागपत से बाहर चले गए थे, शिमला चले गए कुछ घूमने के लिए, कुछ मनाली चले गए, कुछ जम्मू चले गए। तो कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए व्यापारी, आपने भापने की कोशिश की, क्योंकि पिछले अगर चुनावों की बात करें तो आमने सामने बीजेपी और आरएलडी थे, इस बार ये दोनों एक हो गए हैं, ऐसे में लोग हैंडपंप को कितना मजबूत मान रहे हैं यहाँ के लिए विपिन? बिल्कुल स्वाति, बागपत लगातार लोकदल का गढ़ रहा है, 2014 और 2019 में 2 बार लगातार यहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अब की बार गठबंधन होने के बाद ये सीट आरएलडी के खाते में गई थी। वोटरों की बात करें तो वोटर जो आरएलडी के जो खिलाफ वोटर था वो अब या तो समाजवादी पार्टी पर डिवाइड हुआ है या बसपा पर हुआ है, क्योंकि जो आरएलडी का जो खिलाफ वोट बैंक था वही एक बीजेपी के पास वोट बैंक गया था। यहाँ बागपत में जो राजनीति है, जो वोट है, वो किसी भी पार्टी का एक बंधुआ वोट नहीं है, या तो आरएलडी के पक्ष का वोट है या आरएलडी के खिलाफ का वोट है। जो आरएलडी के खिलाफ का जो वोट बैंक है वो या तो समाजवादी पार्टी पर डिवाइड हुआ है या बसपा पे। तो इस चीज का देखना ये होगा कि जो वोट है, जो आरएलडी से जो खिलाफ जो वोट गया है वो समाजवादी पर डिवाइड होता है तो समाजवादी फाइट में है, क्योंकि दो ही प्रत्याशी यहाँ पर फाइट में, समाजवादी पार्टी से अमरपाल शर्मा और आरएलडी से डॉक्टर राजकुमार सागवान जी, इन्हीं के बीच दोनों सीधी फाइट है। बिल्कुल, और मेरे साथ मेरे सहयोगी नरेंद्र भी जुड़े हुए हैं, मेरठ से रुक कर लेते हैं, मेरठ से नरेंद्र का। नरेंद्र, सुबह से लेके अभी तक आप लोगों ने तमाम स्थितियों को देखा, कई जानकारियां वहां से दी आपने, इस बार बीजेपी ने अरुण गोविल को टिकट दिया है, ये काफी हॉट सीट मानी जाती, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक तरह से कैपिटल कहा जाता है मेरठ को, यहां के मुद्दे काफी प्रभाव रखते हैं, किसानों की बात करें, जाटों की बात करें, किस तरीके से देख रहे हैं अगर खाली मेरठ की हम बात करें तो? बिल्कुल, आपने सही कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसको मेरठ कहा जाता है, लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर एक जो मुद्दा लगातार विपक्ष उठाता रहा वो ये था कि बीजेपी यहाँ पर जो कैंडिडेट लेकर आई है वो बाहरी प्रत्याशी है, और यहाँ की जिस तरह की स्थिति है, आपने अभी जिक्र किया, हमारे साथी सीमा भी बता रहे थे कि वहाँ पर जो पोलिंग परसेंटेज मथुरा में कम हुआ है उसकी वजह यही है कि हेमा मालिनी का जो कनेक्टिविटी है आम जनता से वो बहुत बेहतर नहीं है। तो इसी तरह का कुछ यहाँ के लोगों ने भी सोचा, और मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से जो उत्साह दिखना चाहिए था, ये कहा गया था कि ऐसे चेहरे को लेकर आ रहे हैं जिनका कनेक्शन जो है वो राम से है, राम की छवि उनमें दिखती है, और बीजेपी उस चेहरे को पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बुनाना चाहती थी। लेकिन जो अरुण गोविल हैं वो कई दिनों तक तो शुरुआत में कार में ही बैठे रहे, वो नहीं उतरते थे कार से, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट यहाँ पर उनके बारे में बता दिए जाएंगे कि वो कब कब कार से नहीं उतरे। इसके अलावा उन्होंने डोर टू डोर जिस तरीके से प्रचार प्रत्याशी करते हैं वो नहीं किया, वो केवल रोड शो में रहे, वो रथ पर सवार रहे और लोगों के
जिलों में बास तो करते थे लेकिन लोगों के दर तक नहीं पहुंचे। तो यही वजह रही कि जो शहरी इलाके हैं जहां पर ये माना जाता है कि बीजेपी का बड़ा जो वोटर है वो यहां पर रहता है, जिसने 3 बार से यहां समा बांध रखा था बीजेपी के लिए और लगातार बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देकर यहां बीजेपी का जो झंडा है वो उठाए हुए थे। तो अब की बार जो पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है उसकी वजह यही है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग उदासीन है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, इसके अलावा जो जमीनी मुद्दे हैं जिनमें हम महंगाई गिन सकते हैं, जिनमें हम रोजगार, उस पर तो नरेंद्र सबसे बड़ा जिक्र जो आप कर रहे हैं उस पर तो किसी ने बात ही नहीं की। मेरठ के मिजाज को आप समझा रहे हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वोटिंग परसेंटेज पहले और दो चरणों में कितना कम क्यों रहा, इस पर सवाल है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह